हिंदू रिलीजन हैज इट्स रूट्स फ्रॉम हजरत नूह अलैहिस्सलाम। एस्टॉनिशिंग, मैं भी हो गई थी। मैंने जब ये पढ़ा और तो मैं बहुत मतलब हैरान हो गई, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई बात थी। आई एम स्टिल स्टूडेंट इन इस्लाम। तो फिर मैंने इस पे कुछ रिसर्च किया, और मेरे पास वेदास बुक फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको फिर इंटरनेट पे रिसर्च किया, और जो कुछ मैंने पढ़ा था वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। डिसीजन इज योर्स। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। हिंदू लोग जो है, पंडितों से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा रिलीजन बहुत पुराना है, हमारा रिलीजन जो है वो इस्लाम से भी पुराना है, और हमेशा से था, और बुतों की पूजा हमेशा से होती है। ये हिंदू पंडितों का कहना है। हमें हर चीज को सुनना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए हर चीज को सुनने की, और उस पे रिसर्च करना और उसके ऊपर ध्यान करना, ये हमारा एक हक है। तो इसके बाद देखते हैं कि ये जो शिर्क है, बेसिकली जब मैं पढ़ी थी तो शिर्क जो शुरू हुआ था वो हबील और कबील के टाइम से शुरू हुआ था। शुरू तो खैर अल्लाह ने जब हजरत आदम को बनाया था तभी से शुरू हो गया था। दुनिया में, जमीन के ऊपर ये हबील और कबील की साथ शुरू हुआ था, और उसके बाद जब हजरत इब्राहिम से पहले भी बुत परस्ती थी, लोग कहते हैं ठीक है हम मानते हैं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी बछड़ा बना लिया था, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पे 360 मुजस्मे जो थे वो खाना काबा से उनको पाक किया था, दिस इज ऑल्सो ट्रू। उससे पहले खाना काबा में मुजस्मे रखे जाते थे, दिस वॉज द रीजन कि अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था अपना घर साफ करवाने के लिए। बट इट इज ट्रू, बुतों की पूजा होती आ रही है, बहुत अरसे से होती आ रही है। लेकिन इसमें जो अब लेकिन अगर आप ये देखिए कि मैं पढ़ रही थी कि जो विदेश पुराना है उसमें भी लिखा हुआ है कि गॉड इज वन, और गॉड की ये जो जाकिर नायक है वो भी हमेशा इसकी वो देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड, और गॉड के मुजस्मा नहीं बनाना चाहिए। इसमें अब आप ये देखिए कि हमें सूरा फलक जो है, सूरा कुल हुवल्लाहु अहद जो होता है, सॉरी आई एम सॉरी, सूरा इखलास, वो उसमें आप देख लीजिए तो अल्लाह की डेफिनेशन अल्लाह ने खुद अपनी करवा दी हुई है कि वो ना किसी का बेटा है ना उसकी कोई औलाद है। अब हम आते हैं शुरू की बात पे। शुरू ये हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे उनका जो फुटप्रिंट है वो श्रीलंका की एक माउंटेन पे मिला है। ट्रू और नॉट आई डोंट नो, बट आर्कियोलॉजिस्ट ये और जो है वो यही कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, क्योंकि टाइम डेटिंग जो है वो उधर जाके मिल रही है। इसमें जो वेदास है, भगवान पुराना जो बुक है इनकी, उसमें लिखा हुआ है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उनको सुवाती शुवाती उनको कहते हैं, और समुआ मानू के नाम से, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती, तो उनके नाम से उनको रेफरेंस उनकी दी गई है। और हजरत आदम का इसमें जिक्र है प्रवेश पुराना के चैप्टर 4 से 7 में। उसके बाद समुआ माना, यानी कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दो पीसेस में डिवाइड कर दिया, जिसको हम मानते हैं कि उनकी पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम, हमारी अम्मा को उन्होंने निकाला था, और उनको शतो पक आई एम सॉरी मुझे अगर मैं नेम, क्योंकि ये संस्कृत के लफ्ज़ मुझसे शायद नहीं लिए जाएंगे सही से, लेकिन उसका मतलब होता है फीमेल। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें कि श्रीलंका और हिंदुस्तान जो आजकल का जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, उन दोनों के बीच में एक पुल डिस्कवर हुआ है पत्थरों का, जो कि जब पानी चढ़ता है तो वो पुल गायब हो जाता है, जब पानी उतर आता तो उन्होंने वो पुल जो है वो किया। इट इज बकायदा एक स्ट्रीट है उसमें दोनों को जो मिलाती है। और अच्छा, हिंदू मजहब जो है, अच्छा नाम हिंदू, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे पता, इसमें जो देखी है वो ये है कि हिंदू जो नाम है, मतलब जो कहते हैं ना हिंदू मजहब, तो हिंदू नाम जो है वो कहीं भी किसी भी इनकी बुक में एज इज मेंशन नहीं है। आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑन वेदेस, वेदा और केश पुराना, लेकिन जहां तक मैंने देखा है और रिसर्च की है नहीं है। एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम सिंध रिवर था, और सिंध रिवर के आसपास जो पॉपुलेशन थी उसको सिंधु कहते थे,
और जब वो ये जो मौजदारों और ये सब कुछ जब फ्लड हो गया तो सिंध के जो लोग थे जिनको सिंधु कहते थे उससे वो कन्वर्ट होके हिंदू बन गए। अच्छा ये बात है। उसके बाद ये है कि वेद में एक और जगह पे हजरत नूह अलैहि सलाम का जिक्र आया हुआ है और उनको कहा हुआ है महानुआ, ठीक है, और मानू, मानू यानी सैलाब वाला। हजरत नूह अलैहि सलाम के जमाने में ही जो आया था, और यही द ग्रेट फ्लड जो है इसका जिक्र बुक ऑफ जीसस जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 में किया गया है और हमारी कुरान की सुरह हुद में किया गया है। एग्जैक्टली एक ही वाक्य है जो वेदा के 4-7 चैप्टर में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 में और कुरान की सुरह हुद में किया गया है। अगर आप इनको कंपेयर करें, मुझे तो ये एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद ये विधा में ये लिखा गया है कि जो बड़ा सैलाब के बाद जो थी वो दौरे जहालिया खत्म हो गया था और उसके बाद से जो ये सारे बुक्स जो अल्लाह ने, जो अल्लाह का फरमान कह ले जो उतारा था, वो एज अ विदा बुक के नाम पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो कुछ उन्होंने फिर कहा अपने लोगों से वो लिखा गया। वल्ला आलम ये कहाँ तक सही है, आई डोंट नो। प्रवेश पुराना 4-7 चैप्टर में नूह के तूफान का जिक्र है और मानू को अल्लाह ने एक शिप यानी कि एक जहाज में बैठा बना दिया और जानवर उसमें सवार करवा दिए। ये जो है प्रवेश पुराना में जिक्र है, मैं कुरान का जिक्र नहीं कर रही। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने भारत वर्ष पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नू संस्कृत की जुबान में जो संस्कृत जो बोली है उसका मतलब है किश्ती वाला, अरबी में भी यही मतलब है। और विदा में हजरत नू का जिक्र 74 टाइम्स आया है, ये मेरी रिसर्च में निकला है। आई डोंट नो, आई एम नो एक्सपर्ट ऑन वेदा, बट दिस इज द रिसर्च। अच्छा एक फ्रेंच राइटर है AJ डुबियाज, उनका उन्होंने लिखा है कि जो जब फ्लड आया था, उनकी ये रिसर्च है कि जब फ्लड आया था उसके बाद जो जो सारा का सारा एरिया था ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया का, इसके ये सारा सहरा बन गया था और इसमें फिर दोबारा से जो लाइफ है वो आई थी और दोबारा से लोग जो है वो जिंदा होना शुरू या पलना शुरू हुए थे। हम भी यही मानते हैं कि हजरत नूह के बाद दोबारा से जिंदगी शुरू हुई थी, हमें भी कुरान में यही बताया गया है। इनकी कौम को सबी कहते थे और इब्राहिम जो है, हजरत इब्राहिम जो है उनकी, जाहिर उनसे पहले भी ये सारे जो थे बुत परस्त थे। अच्छा हर कौम ने अलग अलग अपने अपने इसमें बुत परस्ती की है और कहा जाता है, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, लेकिन ये जो बुत इन्होंने बनाए हुए हैं जो इनका वो है, ये नऊज़ बिल्ला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शबी है। वी गज़ाक आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू बट इंटरेस्टिंग टू रीड। अच्छा अब हिंदू जो है वो डिनाई क्यों करते हैं? हिंदू डिनाई नेचुरली इसीलिए करते हैं इस बात को कि अगर वो मान जाए, उनके जो बड़े जो पंडित हैं वो इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर वो अपने लोगों को बता दें कि उन पर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम यानी कि अल्लाह का बंदा आया था और अल्लाह एक है और बुत परस्ती करना मना है, तो जो उनकी प्रैक्टिस है सारी, जो उनका जिस तरह क्रिश्चियन का जो वैटिकन सिटी है पूरी, वो असल बात कभी भी लोगों को नहीं बताते। और इसी तरह हिंदू पंडित भी जो है वो अपना अगर लोगों को बता दे कि अल्लाह एक है तो उनका तो सारी दुकान बंद हो जाएगी, तो इसलिए ये नहीं बताते। अबू सैयद अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि क्यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और अल्लाह सवाल करेगा कि क्या तुमने मेरा पैगाम अपने लोगों को तक पहुंचा दिया हो, तो वो कहेंगे कि जी मैंने पहुंचा दिया, लेकिन उनकी कौम इनकार कर देगी कि नहीं पहुंचाया। तो फिर अल्लाह ताला जो है वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि तुम अपना गवाह किसको बनाते हो, तो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कहेंगे कि मेरा गवाह जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो उनका उनकी गवाही देंगे कि उन्होंने अपना पैगाम अपने लोगों तक पहुंचा दिया था, लेकिन उनकी कौम नाफरमान थी, और उस दिन फिर हिसाब होगा, जाहिर हिसाब उसी दिन होगा। ये सारी रिसर्च थी, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट दिस थिंग टुगेदर, क्योंकि मेरे पास फिजिकल फॉर्म में वेदास और प्रवेश पुराना नहीं है, तो मैंने सारी इंटरनेट पर रिसर्च की है, वेदास
खोल के और उसके चैप्टर्स पढ़ पढ़ के, चैप्टर्स में जो लिखा है उससे तो मुझे कोई इतराज नहीं क्योंकि वो चैप्टर्स में उनकी लिखा हुआ है। बाकी जो है ये सारा कुछ कहाँ तक सही है या नहीं है वल्ला आलम, अल्लाह जानता है। बट एक बात तो है, फबैया लाया रब्बे को मत से बान, और तुम खुदा की किस किस चीज को ठुकराओगे। टिल देन जर्मन परदेसी मिल जिदित सुरोगा।